मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने सीएमएस संग किया सरकारी ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण। यहां की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर दिया पूरा जोर। प्राइवेट एम्बुलेंस अंदर खड़े होने के सवाल पर कहा जिसके मरीज जाते सिर्फ वही आती। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने सीएमएस व अन्य चिकित्सकों के साथ सरकारी ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया, यहां की सेवाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा आज सुबह सरकारी ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण डॉक्टर श्याम मोहन गुप्ता और अन्य चिकित्सकों के साथ सरकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंची, जहां सरकारी ट्रॉमा की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा और मीडिया से बात करते हुए कहा हमारी कोशिश है इमरजेंसी ट्रॉमा की व्यवस्थाएं और बेहतर हो और कम से कम मरीजों को आगरा रेफर किया जाए, इसको लेकर समस्त स्टाफ को निर्देशित किया गया है। वही प्राइवेट एम्बुलेंस अंदर खड़े होने के सवाल पर कहा यहां वही प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी नहीं होती, अगर किसी का मरीज कोई ले जा रहा है वही आती है, अन्यथा कोई भी एम्बुलेंस खड़ी नहीं होती। इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर हम एक की भी जान बचा सकेंगे तभी हमारा मतलब सफल होगा हमारा प्रोफेशन। उसको इमरजेंसी और ट्रॉमा को बेहतरीन किया जाए, कम से कम मरीज को रेफर किया जाए और प्राइमरी केयर और बेसिक केयर हर पेशेंट का दिया जाए। मैम एक चीज़ देखी गई है, बाहर से गाड़ी प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर के अंदर आ जाती है, बहुत सारी खड़ी हो जाती है, तो एम्बुलेंस जो आती है इमरजेंसी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी गाड़ी खड़ी प्राइवेट एम्बुलेंसेस नहीं खड़ी होंगी, कभी किसी का पेशेंट जाना होगा तब कोई गाड़ी आएगी, अदरवाइज कोई भी और मतलब एक्स्ट्रा गाड़ी दिया नहीं खड़ा।